आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि टू साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 के बराबर दे रखा है, और दूसरा अपने के पास दे रखा है एक्स माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, एक्स माइनस वाई और प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। इफ द डायगोनल इंटरसेक्ट 2, 4 के बराबर है देन द वन वर्टेक्स इज। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम बनाने से पहले एक चीज अपने थोड़ा सा देख लीजिए गौर से, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी नहीं है। अगर आप गौर से देखते हो तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये जो पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम एक तरीके का रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल हो सकता है यानी तो स्क्वायर हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन अपने पास रेक्टेंगल बना लेते, स्क्वायर होगा तो देख लिया जाएगा। हमारे पास और आगे क्या दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास कलर, ये हमारे पास इसका एक डायगोनल है ठीक है, और दूसरा डायगोनल हमारे पास ये वाला रहा ठीक है, कोई इतराज। अब अपने का जब ये दो डायगोनल आ गया, यानी अपने के पास ये दोनों बराबर, ये और ये बराबर, और ये और ये सारे बराबर हो गए, काम खत्म ठीक है। अब अपने के पास इस लाइन का अगर इक्वेशन मानते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने के बराबर तो 3 के बराबर, तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएंगे वो अपने के पास आ जाएंगे एक्स माइनस वाई, और ये किस तरह देंगे तो ये आ गया अपने के पास प्लस 3 इक्वल टू आ गया 0। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने क्या इक्वल टू अपने के पास इसको क्या कर दो 0 कर दो, इक्वल टू अपने के पास इसको सबको इधर ही भेज देते हैं ना, यहाँ से अपने जैसे ही इसको सबको इधर भेजेंगे अबे तू इधर हो जा ठीक है, इक्वल टू अपने के बराबर लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 के बराबर लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं आराम से ठीक है। इस दोनों लाइन को अपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो किस तरह हो जाएंगे, तो दोनों को जोड़ दो ना, जैसे दोनों को जोड़ोगे तो अपने के किस तरह आ जाएंगे एक्स कॉर्डिनेट तो ऐसे भी 0 आ गया, और जैसे एक्स 0 आ गया वाई इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 3 के बराबर, यानी 0, 3 तो एक पॉइंट आ गया। डायगोनल का जो इंटरसेक्शन है ये अपने पॉइंट दे रहा है किस बराबर 2, 4 के बराबर, हाँ है ना, जब 2, 4 के बराबर ये इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा है तो ये कॉर्डिनेट नहीं आ जाएगा, बताओ तो अगर इसको अल्फा कॉमा बीटा मानते हैं ठीक है, और ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं क्या अल्फा प्लस 0 और होल अपॉन में 2 इक्वल टू आपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये बताओ अल्फा प्लस 0 होल अपॉन 2 इक्वल टू आ गया अपने 2 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। ये सिमिलरली अपने बीटा प्लस 3 और होल अपॉन में 2 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर, बीटा प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया 8 के बराबर, यहाँ से बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया 5 के बराबर, यानी हमारे पास इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया इसके बराबर, तो ये आ गया 4, 5 के बराबर। जब 4, 5 के बराबर तो इस लाइन का भी इक्वेशन आ जाएगा, इस लाइन का भी इक्वेशन आ जाएगा। चलो किसी एक लाइन का इक्वेशन लिख लो, अपने के पास सारे कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, फिर अपने के चेक कर लेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट अपने के पास हो जाएंगे। तो यहाँ नेमिंग करते क्या, ये ए रहा, ये बी है, ये सी है, और ये हमारे पास किस बराबर है 3 के बराबर, हाँ है ना। जब अपने के सी आ गया 4, 5 के बराबर, तो यहाँ से अपने के इसका स्लोप बता सकते हो क्या, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसके स्लोप अपने के आ गया -1 के बराबर, यहाँ से बताओ तो वाई -5 इक्वल टू आ गया -1 और x माइनस टेंस 4 के बराबर, यहाँ से बताओ तो y माइनस टेंस 5 इक्वल टू आ गया माइनस टेंस x, और ये किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टेंस 4 के बराबर, ये का आ जाएंगे x प्लस टेंस y और इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर तो 9 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास x और माइनस टेंस y इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर, -3 के बराबर, दोनों को जोड़ दो, तो जैसे अपने पास दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास ये तो गया, जैसे अपने पास गया तो 2x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 9 में से 3 जाएगा 6 के बराबर, x इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 3 के बराबर, यानी ये जो कॉर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे। जब ये कोऑर्डिनेट 3 के बराबर, तो यहाँ से अपने के पास 3 किसी में चिपका दो ना, जैसे अपने के पास इसमें 3 चिपकाओगे, एक्स की जगह 3 चिपकाओ तो यहाँ से अपने के पास बराबर जाएंगे, तो बताओ तो 3 तो ये आ गया 6 के बराबर, यानी आ गया अपने के पास 6 के बराबर, है ना। जैसे 3 चिपकाओ 6, यानी आ गया 3, 6 के बराबर, 3, 6 देखिए कोई ऑप्शन में है क्या, 3, 6 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी के आ जाएंगे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको अगर अपने के पास कोई भी दूसरा पॉइंट मान ले, अल्फा बीटा इसको गामा मान लेते हैं और इसको अपने के पास डेल्टा मान लेते हैं, बताया होगा गामा और डेल्टा अपने कैसे निकाल सकते हैं कैसे मिड पॉइंट थ्योरम से ठीक है, तो ऐसे भी अपने कैसे निकाल सकते हैं, डी पॉइंट इसमें से कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता, आप चेक कर लेना ठीक है, जब एक आंसर आएगा तो दूसरा कहाँ से आएगा। तो ये थे अपने जे मेंस के 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया सा क्वेश्चन था, आसान सा था, बस अपने कहा थोड़े बहुत आपको डायगोनल की ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से अपने कैसे ये रेक्टेंगल कैसे हम बनाए वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंडस्ट्री में आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।